स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ये हमारा हिस्ट्री का जो फिफ्थ चैप्टर चल रहा था उसी का फिफ्थ नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एक से लेकर फोर्थ नंबर वीडियो इस चैप्टर पर नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पर आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आपको ऑल सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जो आप चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट जो जिसमें आपका छूटा है उसको आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो फोर्थ नंबर वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि विज्ञान की पढ़ाई को बंगाल में बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं खोली गई, उसी को हम लोग आगे आज बढ़ेंगे कि कौन कौन सी और संस्थाएं थी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के अलावा, और कौन कौन सी संस्थाएं थी जो खोली गई बंगाल में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आ गया क्या करना है, तो देखते हैं। हाँ, दूसरा क्या है, दी कलकत्ता साइंस कॉलेज या द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ज्यादा फेमस नाम है इसका क्या, दी कलकत्ता साइंस कॉलेज, दी कलकत्ता साइंस कॉलेज, ये ज्यादा फेमस नाम है। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जैसा ही ये क्या था, एक संस्था था, एक बहुत बड़ा कॉलेज था जिसमें क्या होता था, विज्ञान की पढ़ाई होती थी, ठीक है। तो दिस कलकत्ता साइंस कॉलेज बहुत फेमस नाम है, ठीक है, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाम याद रखिएगा, ठीक है, द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कॉलेज का नाम था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। 27 मार्च 1914 ईस्वी को इस संस्था की स्थापना श्री आशुतोष मुखर्जी ने बिना अंग्रेजी सरकार के आर्थिक सहयोग से किया। मतलब समझ में आ गया आप लोग को, क्या समझ में आया हमें भी बता दीजिए। जैसे आपको पता है 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना हुई, ठीक है, उसके बाद जो डॉक्टर महेंद्र सरकार ने उनकी स्थापना की, तो उन्हीं से प्रभावित होकर या बोलिए उन्हीं के बाद क्या हुआ, तो 1914 ईस्वी में आशुतोष मुखर्जी जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने पैसे से, ठीक है, 27 मार्च 1914 ईस्वी को अपने पैसे से बिना अंग्रेजी सरकार के आर्थिक सहयोग, मतलब अंग्रेजों का पैसा बिना लिए होता है ना, सरकार पैसा देता है कि तुम यहाँ कॉलेज खोलो, नहीं, इन्होंने अपने पैसे से, आशुतोष मुखर्जी ने अपने पैसे से क्या किया, 27 मार्च 1914 ईस्वी को एक कॉलेज खोला, एक संस्था खोला, ठीक है। इस संस्था की स्थापना में सर तारकनाथ पालित और रास बिहारी बोस ने 37,50,000 रुपये नगद और एक मकान देकर श्री आशुतोष मुखर्जी की सहायता की। तो क्या हुआ, आशुतोष मुखर्जी ने अंग्रेजों का तो पैसा नहीं लिया, लेकिन जो भारतीय अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से क्या करते थे, आशुतोष मुखर्जी की सहायता करना चाहते थे इस शुभ कार्य में, एक विज्ञान कॉलेज खोल के जहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई हो, तो उन्हीं में से कौन थे, तारकनाथ पालित और रास बिहारी बोस, दोनों ने मिला के टोटल 37,50,000 रुपये दिए। मतलब समझ सकते हो, उस समय में 1914 ईस्वी में 37,50,000 रुपए कितना ज्यादा होगा, इतना पैसा दोनों ने मिला के दिए। समझ में आ गया। तो आशुतोष मुखर्जी ने अंग्रेजों का तो सहायता नहीं लिया, लेकिन वे भारतीय जो पैसा देना चाहते थे, हमारे भारतीय युवकों का मदद करना चाहते थे, उनका पैसा उन्होंने लिया, और तारकनाथ पालित और रास बिहारी बोस ने दोनों ने मिलाकर 37,50,000 रुपये नकद, मतलब कैश दिए, और एक मकान देकर श्री आशुतोष मुखर्जी की आर्थिक सहायता की। आर्थिक सहायता मतलब पैसे, उन्होंने एक मकान भी दिया जहाँ पर रह के वो काम कर सकते हैं, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी को इतना पैसा देने के साथ एक मकान भी दिया जहाँ पर ये सारे कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं, इतना रुपये देखिए आर्थिक सहायता मतलब पैसे से सहायता कि दी कलकत्ता साइंस कॉलेज को खोलने के लिए, ठीक है। इसके प्रथम बैच के शिक्षकों में, प्रथम बैच के शिक्षक मतलब समझ रहे हो ना, 1914 में जब ये कॉलेज खोला गया तो ऐसे कौन कौन से शिक्षक थे जो इसमें आके पढ़ाते थे, तो इसके प्रथम बैच के शिक्षकों में प्रफुल्ल चंद्र रॉय, सी वी रमन, ज्ञानचंद्र घोष जैसे विद्वान शामिल थे। ये सारे क्या थे, इसके प्रथम बैच के शिक्षक थे जो इस कॉलेज में आके क्या करते थे, पढ़ाते थे, ठीक है। 1915 के एमएससी बैच के विद्यार्थियों में सुरेंद्र नाथ बोस शामिल थे, ठीक है, 1915 में, 1914 में एक देखो क्या होता था, कॉलेज में जो साइंस का कॉलेज होता है उसमें बीएससी का पढ़ाई होता है 3 साल, उसके बाद एमएससी का पढ़ाई, जैसे 11 का पढ़ाई होता है आप लोग का, उसके बाद 12 का पढ़ाई होता है, उसके बाद जो कॉलेज में जो विज्ञान का कॉलेज होता है उसमें पहले बीएससी की पढ़ाई होती है, बीएससी की पढ़ाई के बाद 3 साल बाद आपका क्या होता है, एमएससी की पढ़ाई होती है। तो ये कॉलेज में बीएससी की भी पढ़ाई होती थी, एमएससी की भी पढ़ाई होती थी। तो 1914 में खोला गया, तो 1915 ईस्वी में जो एमएससी का बैच स्टार्ट हुआ था ना, उसमें
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत बड़े नाम है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ठीक है। तो उस कॉलेज में वो क्या किए, जाके एज ए स्टूडेंट जाके पढ़ाई किए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने जो एमएससी की जो पढ़ाई है, ठीक है, वो किस कॉलेज से पास आउट किए, द कलकत्ता साइंस कॉलेज से ही पास आउट किए, जिन्होंने आगे चलकर इसी कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। तो सुरेंद्र नाथ बोस भी एक है, लेकिन अभी सुरेंद्र नाथ बोस। तो सुरेंद्र नाथ बोस ने क्या किया, 1915 में एमएससी का बैच यहाँ पे एज ए स्टूडेंट पढ़ा। फिर जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो इन्होंने क्या किया, इसी कॉलेज में अध्यापन मतलब एज ए टीचर ज्वाइन हो गया और पढ़ाने लिखाने का कार्य किया। किन्होंने, सुरेंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन समीकरण खोजा, जिसे पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बोस इतने फेमस क्यों है, क्योंकि आइंस्टाइन उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक, अभी भी आइंस्टाइन का नाम तो सुनते ही होगे तुम लोग, ठीक है, आइंस्टाइन सबसे बड़े वैज्ञानिक, ठीक है, उनके साथ मिलकर किसी समीकरण मतलब कोई इक्वेशन कोई एक फॉर्मूला को खोजा, जिसको नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन समीकरण, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन समीकरण को खोजा, देखो आइंस्टाइन उतने बड़े वैज्ञानिक, उनके साथ एक भारतीय वैज्ञानिक सुरेंद्र नाथ बोस जो इस कलकत्ता साइंस कॉलेज में पढ़े हुए थे, ठीक है, वो जाके खोजे, तो समझ लो कलकत्ता साइंस कॉलेज का क्या नाम हुआ होगा उस समय, ठीक है। तो नाम रोशन हुआ। इसके शिक्षक सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला, और इस संस्था, ठीक है, सीवी रमन तुम्हारा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में भी पढ़ाते थे और इसमें भी पढ़ाते थे, ठीक है। तो जैसा कि तुमको पता है सीवी रमन जब उसमें पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे उनको उसमें एक्सपेरिमेंट करने के कारण उनको 1930 में क्या मिला था, आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चूंकि वो जो टीचर थे सीवी रमन, जो वैज्ञानिक थे प्रोफेसर थे, वो इसमें भी पढ़ाते थे, तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिया कि सीवी रमन जैसे नोबेल पुरस्कार जो विजेता जो प्रोफेसर थे वो ऐसे वैज्ञानिक इस कॉलेज में भी आके पढ़ा रहे हैं, तो समझ सकते हो इस कॉलेज का कितना नाम है उस समय, ठीक है। इस संस्था में पढ़ने वाले कई शिक्षकों को लंदन के रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली। अब ये भैया लंदन का रॉयल सोसाइटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो उस समय क्या हुआ था, देश विदेश के जितने भी वैज्ञानिक थे, ठीक है, देश विदेश के जितने भी वैज्ञानिक, अलग अलग देशों के जितने भी वैज्ञानिक थे, सबको लंदन बुलाया जाता था। कहाँ बुलाया जाता था, लंदन। और उन लोगों का एक सदस्य टीम होता था, सदस्य टीम मतलब जितने भी बड़े बड़े उस समय के उस एरा के उस सदी के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, सब जाते थे राजा महाराजा के सामने बैठते थे, और सारा वैज्ञानिक जितना भी खोज उज करते थे क्या होता था, वो सारा चीज वहाँ पे बताते थे। ये जो मेंबर था, ये जो ग्रुप था, या बोल सकते हो ये जो क्लब था, संगठन था, इसी को बोला जाता है रॉयल सोसाइटी, जो राजा महाराजा के अंदर सारा होता था। देश विदेश के बड़े बड़े, जैसे हम लोग का भारत से बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो जाके यहाँ पे इसके मेंबर बने, और जितना भी खोजबीन हुआ, देखो वहाँ पे होता था क्या, अलग अलग देशों से उस देश का बड़ा बड़ा वैज्ञानिक आता था, और जितना भी अपना चीज़ पे खोजबीन किया है सब यहाँ पे आके इन सब के सामने बताता था, ठीक है। और उसके बारे में अगर कुछ सुधार करना है, ठीक है, या कोई उसी टॉपिक पे रिसर्च किया तो वो भी अपना बताएगा, तो सब कुछ ना कुछ क्या आता था, कुछ ना कुछ हल निकलते रहता था, जिससे क्या होता था विज्ञान को और बढ़ावा मिलता था। और ये सोसाइटी द रॉयल सोसाइटी क्या थी, विज्ञान को बढ़ावा देने का काम करता था, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता था, ठीक है, वो डिस्कस वहां पे होता था। समझ सकते हो ना, अगर हम कोई चीज खोज रहे हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक देश विदेश से आए वैज्ञानिकों के बीच जाके हम बोलेंगे ये एम हो गया मेरे से, ये थोड़ा दिक्कत है, तो कोई बड़ा वैज्ञानिक वहां पे रहेगा, उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल देगा, इसीलिए सर सोसाइटी वहां पे उस समय बनाया गया था। तो ये बहुत बड़ा उस समय वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें आते थे, ठीक है, इनमें मेंबर बनते थे, ठीक है। उसी में से इस कॉलेज में पढ़ाने वाले कई ऐसे शिक्षक थे, कई ऐसे प्रोफेसर जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उनको इनकी सदस्यता मिली, मतलब समझो इस क्लब में वो भी शामिल हो गए, इस संगठन में वो भी शामिल हो गए, मतलब दुनिया के महान महान वैज्ञानिकों के बीच बैठकर अपना जो शोध कार्य है वो सुनाने का, चर्चा करने का, दूसरों का सुनने का मौका मिला, ठीक है। यह कॉलेज भारत में विज्ञान के प्रसार में झूला साबित हुआ, जैसे झूला होता है ना, बच्चा का झूला जिसमें बच्चा झूलते झूलते मतलब खेलते खेलते क्या होता है बड़ा होता है, उसी प्रकार ये जो कॉलेज खोला गया ये भी क्या हुआ, झूला साबित हुआ, मतलब इस कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे युवक हुए जैसे सुरेंद्र नाथ बोस, ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे युवक हुए जो क्या हुआ आगे चल के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बने। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ, झूला साबित हुआ, मतलब जैसे बच्चा झूला पे खेलते खेलते हंसते हंसते क्या होता है बड़ा हो जाता है, उसका
विकास होता है उसी प्रकार इस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जो भारत में या बंगाल में विज्ञान का क्या हुआ, विकास हुआ, इसीलिए इस कॉलेज को क्या बोला गया, शूला बोला गया। संस्था ने कई ऐसे कार्य किए जिससे भारतीय विद्यार्थियों के मन में विज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ और वे भी इस संस्था से जुड़े। अभी यह संस्था राजा बाजार कॉलेज या रास बिहारी प्रांगण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस संस्था ने अपने समय में बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य किए, शोध कार्य किए, जिसके कारण ये कॉलेज उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, जिसके कारण आसपास के जितने भी युवक थे सबको विज्ञान की पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया और सब क्या हुआ, विज्ञान की पढ़ाई को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग कॉलेज में जाते थे या इस कॉलेज में आके विज्ञान की पढ़ाई करते थे। तो इन्होंने इस कॉलेज ने क्या किया, विज्ञान को इंटरेस्टिंग बना दिया, जिससे जितने भी विद्यार्थी थे वो विज्ञान की पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुए, ठीक है। तो ये लगाव उत्पन्न करने का कार्य इन्होंने किया, इस कॉलेज के लोगों ने, इस कॉलेज के प्रोफेसर ने किया। अभी यह कॉलेज अभी भी यह कॉलेज है, अभी भी यह संस्था है, अभी उसका नाम क्या है, राजा बाजार कॉलेज। अभी उसका क्या नाम है, राजा बाजार कॉलेज। तुम जाके देखेगा कहीं पे कलकत्ता साइड में राजा बाजार कॉलेज खोलेगा तो उसे वही कॉलेज दी कलकत्ता साइंस कॉलेज का ही अभी वर्तमान नाम इस समय क्या है, राजा बाजार कॉलेज, या फिर ज्यादा अच्छा नाम, ये भी एक नाम है, ठीक है। अभी ये दो नामों से जाना जाता है, अच्छा नाम रास बिहारी प्रांगण, क्योंकि इन्होंने पैसा दिया था, रास बिहारी प्रांगण के नाम से जाना जाता है या राजा बाजार कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो अभी कलकत्ता साइंस कॉलेज का वर्तमान नाम क्या है, अभी वर्तमान नाम रास बिहारी प्रांगण मतलब कॉलेज, या फिर आपका राजा बाजार कॉलेज, ये दो नाम से वो अभी जाना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको कलकत्ता साइंस कॉलेज के बारे में सब कुछ समझ में आया, आशुतोष मुखर्जी ने किस प्रकार से खोला, उनका उद्देश्य क्या था, ये सारा चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, कौन कौन से प्रोफेसर जो इसमें पढ़ाते थे, समझ में आ गया। तो कलकत्ता साइंस कॉलेज के बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ चुके, ठीक है, आगे देखते क्या है। अब देखिए तीसरा है बसु विज्ञान मंदिर, ठीक है, ये भी एक प्रकार का कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाता था। जैसे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो कॉलेज था उसमें विज्ञान की पढ़ाई होती थी, उसी प्रकार बसु विज्ञान मंदिर जो है उसमें भी क्या होती थी, ये जो कॉलेज था उसमें भी क्या होती थी, विज्ञान की पढ़ाई होती थी। संस्था है, ये सब कॉलेज का नाम है, ठीक है। बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना जगदीश चंद्र बोस ने 1917 ईस्वी में बिना किसी सरकारी सहायता के अपने जीवन भर के संचित किए 11 लाख रुपये के धनराशि से किया। तो जगदीश चंद्र बोस मतलब जेसी बोस, इनके बारे में, जेसी बोस या जेसी बसु भी बोलते हैं इनको, इनके बारे में तुम लोग जानते हो, लाइफ साइंस में पहले चैप्टर में पढ़े हो गए, ठीक है, कि पौधों में प्राण है, इसकी इन्होंने खोज किया था और बहुत सारी चीजों का खोज किया। तो ये क्या थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी विज्ञान बंगाल में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पैसे से, उनके पास उस समय 11 लाख रुपए, वैज्ञानिक है तो उनके पास 11 लाख रुपए थे, 11 लाख रुपए की मदद से उन्होंने क्या किया, एक बसु विज्ञान मंदिर मतलब एक कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, बिना किसी सरकारी सहायता से मतलब अंग्रेजों का पैसा लिए बिना। इस संस्था की स्थापना उनके प्रिय मित्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी आर्थिक सहायता की, मतलब उनके जो प्रिय मित्र थे, मतलब फेवरेट मित्र थे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड टाइप का, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जगदीश चंद्र बोस के जो मित्र थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो सबको ही जानता होगा, उन्होंने उनकी आर्थिक सहायता की, मतलब 11 लाख रुपये से कॉलेज खुल रहा था, ठीक है, लेकिन पैसा थोड़ा मोड़ा कम पड़ गया, जिसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने आर्थिक मतलब पैसे की सहायता से मदद की, थोड़ा मोड़ा पैसा दे के मदद। तो समझ आया, जगदीश चंद्र बोस की मदद किन्होंने किया थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बसु विज्ञान मंदिर को खोलने में किया था। इस संस्था की स्थापना बाद जगदीश चंद्र बोस इसके आजीवन संचालक मतलब मेन आदमी बन गए, जो इसको चला रहे थे, ठीक है, संचालक बन गए। तो समझ, बसु विज्ञान मंदिर के बारे में सबको, 1917 में बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना हुई थी, इसके संचालक कौन बन गए, इसके प्रथम संचालक मतलब चलाने वाला जो कॉलेज को पूरा नियंत्रित करे वो कौन थे, आपका जगदीश चंद्र बसु या बोस भी थे, ठीक है। उद्देश्य, अब जगदीश चंद्र बोस ने किस उद्देश्य के लिए इस कॉलेज की स्थापना की, कोई ना कोई मोटिव होगा, जैसे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का कुछ मोटिव था, कलकत्ता साइंस कॉलेज का भी कुछ मोटिव था कि विज्ञान को बच्चों के मत क्या बनाना है, लोकप्रिय बनाना है, तो उन्होंने वो किया। उसी प्रकार जो आपके जगदीश चंद्र बोस है, उन्होंने अपने सारा पैसा लगा के, पूंजीपति लगा के जो कॉलेज खोला, तो कॉलेज को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को उचित अवसर प्रदान करना था, ठीक है। अब वैज्ञानिक शोधकर्ता मतलब भैया
देखो जैसा कि बोले, बहुत सारे ऐसे लोग थे उस समय भारत में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विज्ञान से संबंधित शोध का कार्य, मतलब एक्सपेरिमेंट का काम करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनके पास जो मशीन होता है, जो सामान होता है, वो सारी चीजें नहीं थी। तो बसु विज्ञान मंदिर जो एक साइंस कॉलेज है, उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य वही है कि शोधकर्ता मतलब वे लोग जो शोध को करेंगे, एक्सपेरिमेंट को करेंगे, उसी को बोलेंगे शोधकर्ता, ठीक है। तो वे लोग जो शोध करना चाहते हैं, उनको एक उचित अवसर, मतलब एक ऐसा स्थान दिया जाए जहां पे वो अपना जिस विषय पे जो जैसा शोध का कार्य, जैसा एक्सपेरिमेंट का काम करना चाहते हैं, वो वहां पे जाके वो कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही था। यह संस्था बिना किसी भेदभाव सभी वर्ग, जाति, लिंग के लोगों को समान अवसर प्रदान करने में विश्वास रखती थी। इससे पहले अंग्रेजों के जो कॉलेज थे जिसमें विज्ञान की पढ़ाई होती थी, लेकिन उसमें क्या होता था, ऐसा नियम था कि उच्च जाति वाला नहीं पढ़ेगा, निम्न जाति वाला नहीं पढ़ेगा, या लड़कियां नहीं पढ़ेगी। तो ये तो भेदभाव हुआ ना। तो बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था, ये कॉलेज सभी वर्ग के, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, किसी भी लिंग का, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, मतलब जो महिला हो या नर हो, कोई भी हो, बिना किसी भेदभाव को सबको एडमिशन देगा। जो उसके योग्य होंगे, जो वहां पे आके एडमिशन लेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते, बिना किसी भेदभाव के जो भी शोध का कार्य, मतलब एक्सपेरिमेंट का कार्य या विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे और क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि ये सब भेदभाव उस समय बहुत ज्यादा हो रहा था। लड़कियों को कॉलेज में एक साथ, लड़कों के साथ नहीं पढ़ाने दे रहा था, इस प्रकार के बहुत सारे कॉलेज थे। तो ये कॉलेज ने सोचा जो लड़कियों के साथ या निम्न वर्ग के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसको मिटाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का कार्य करते थे। इस संस्था में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान और विषयों पर शोध किया जाता है। ये सब भौतिक, मतलब आपका जो फिजिक्स है, आपका जो केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट है, सारे विषयों पर क्या होता था, बसु विज्ञान मंदिर में खोज का कार्य होता था। मतलब तुम इसमें जाके खोज वोज कर सकते हो, ठीक है, जैसे विषयों पर शोध का कार्य, मतलब एक्सपेरिमेंट या खोज का कार्य होता है। इस संस्था का पूरे बंगाल में विज्ञान के विकास में बड़ा योगदान रहा। अब देख सकते हो इतना सारा उन्होंने काम किया, इतनी सारी चीजों का खोजबीन एक्सपेरिमेंट वहां पे होता था। तो इस संस्था ने क्या किया, बंगाल में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो बसु विज्ञान मंदिर के बारे में भी हम लोग को डिटेल में डिस्कशन हो गया, समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग वो पढ़े द कलकत्ता साइंस कॉलेज, फिर बसु विज्ञान मंदिर के बारे में अच्छे से पढ़े। अगर यहां तक कुछ डाउट हो तो आप लोग आराम से इसको पूछिएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा और आगे थोड़ा देखते हैं क्या है। अब देखिए ये सारे टॉपिक चूंकि किताबों में नहीं रहते हैं, लेकिन आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जिसको हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस कर ले। क्या भारत के कुछ वैज्ञानिकों के विषय में, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जगदीश चंद्र बोस, ये क्या है, भारत के वैज्ञानिक थे, ठीक है, इनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। इन्होंने कैस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से इन्होंने बताया कि पौधों में प्राण है। तो आपको एक मार्क्स के क्वेश्चन में बोल देगा कि जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ लिखो। तो जैसा कि आपको पता, जगदीश चंद्र ने बसु विज्ञान मंदिर की 1917 में स्थापना की, ये सब तो लिख ही सकते हैं, लेकिन क्यों विशेष है, भारतीय इतिहास में इनका नाम इतना ज्यादा क्यों है, वैज्ञानिकों में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक यंत्र का खोज किया था, कैस्कोग्राफ, जिसको आप लोग लाइफ साइंस में पढ़े होंगे। उस यंत्र की मदद से इन्होंने सर्वप्रथम बता दिया कि जो पौधे होते हैं वो भी सजीव होते हैं, उनमें भी प्राण होता है। इस चीज के खोज करने के कारण उन्हें पूरे विश्व के इतिहास में याद किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले भारतीय थे, पहले पूरे पृथ्वी के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि पौधों में क्या होता है, प्राण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, साइंस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हिस्ट्री में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रफुल्ल चंद्र राय, क्या है, प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है। इन्होंने 1901 ईस्वी में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, क्या, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। तो ये क्या है, एक संस्था थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, में क्या होता था, दवाई वाई से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च होता है, केमिकल्स से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिसर्च का एक संस्था था, इंस्टीट्यूट था, ठीक है। तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1901 ईस्वी में क्या किया था, बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की थी। इन्होंने कई दुर्लभ तत्वों का खोज किया जिन्हें मेंडेलीव के सारणी में स्थान दिया गया। जब आप लोग फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8
पढ़ेंगे, ठीक है, या हम आपको जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। जैसा आप लोग को अभी तत्व पता है, तत्व क्या होता है और दुर्लभ तत्व क्या होता है, ये सारी चीजें जो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार के जो तत्व है, ठीक है, उन प्रकार के ही विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया। तो ये भारतीय थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने मेंडलिव की आवसानी, जब 8 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, 8.1 में ही आपको पढ़ाएंगे मेंडलिव की आवसानी, ठीक है, जहां पे विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तत्व जो है, एलिमेंट जो है, जिनको सजाया गया, उन्हीं में से कुछ कुछ ऐसे तत्व है जिनकी खोज किन्होंने किया, प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया। तो आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा भारतीय वैज्ञानिक थी जिनके द्वारा खोजे गए तत्वों को मेंडलिव के आवर्त सारणी में शामिल किया गया, तो आप नाम क्या लिखेगा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। समझ में आ गया आप लोग को, ये क्यों इतने जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एलिमेंट तत्वों की खोज की जिन्हें मेंडलिव के आवर्त सारणी में रखा गया। उनके बाद क्या है, सुरेंद्रनाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ मिलकर आइंस्टाइन समीकरण खोजा, जिससे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। तो सुरेंद्रनाथ बोस इतने ज़्यादा क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने आइंस्टाइन उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन समीकरण एक समीकरण खोजा, ठीक है, जिसके कारण ये पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ कि भारत में भी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक है जो क्या कर सकते हैं, पूरे अपना मैंने अपना अस्तित्व पहचान बना सकते हैं, ठीक है, मतलब बोलने चाहते हैं उस समय हुआ क्या था, भारत में जो विदेशी लोग थे या विदेश के जो लोग थे, भारत से बाहरी जो देश में लोग थे, वो लोग बोलते थे कि भारत अंधविश्वासों का देश है, ठीक है, भारत में ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है, भारत गरीब लोग है, गरीब देश है और उतनी मूर्ख देश है, कोई इसमें विकास नहीं हो सकता, इस प्रकार से बहुत सारी बातें चलती थी भारत के बाहर कि भारत के लोगों के बारे में। लेकिन उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, बोस आइंस्टाइन समीकरण खोजा। मतलब समझ सकते हो, जो लोग बोलते थे कि भारत में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, मूर्ख होते हैं, उनके मुँह पर तमाचा जैसा था, समझ तो उतरे वाले साइंटिस्ट के साथ इन्होंने ये सब किया, इसलिए ये सब नाम जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत के लोगों को मूर्ख समझा जाता था, ठीक है, भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बातें कही जाती थी। लेकिन इन्हीं वैज्ञानिकों ने लोगों को समझाया, लोगों को सामने प्रमाणित किया कि भारत क्या है, भारत में अंग्रेजों और गुलाम के कारण हम लोग ऐसे हैं, नहीं तो जब हम लोग को भी टाइम मिलेगा, हम लोग का भी टाइम आएगा तो हम लोग भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और इन वैज्ञानिकों ने उस स्तर पर अपने अपने बड़े काम किए जिनके कारण इन्हें भारतीय इतिहास में नमन किया जाता है, भारतीय इतिहास में इन्हें याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने विश्व स्तर पे भारत का नाम को रोशन किया। समझ में आ गया, इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, एज इट इज जैसे लिखा है बाबू, सेम टाइप का एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस भी पॉइंट से। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।